वायम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा धमाका, हरियाणा फैमिली आईडी क्रीड विभाग। भाई पहले क्रीड समझो, बात आगे तभी बनेगी, जब तक क्रीड नहीं समझोगे बात बनेगी नहीं थारी। क्रीड जिसे आप CRID कहते हो, मैं कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूँ, विस्तार पूर्वक उल्लेख इसका कर चुका हूँ, ठीक है। क्रीड का जो फॉर्म होता है, सिटीजन, सी से सिटीजन, आर से रिसोर्स, आई से इंफॉर्मेशन, डी से डिपार्टमेंट। सिटीजन कहते हैं नागरिक से, रिसोर्स कहते हैं संसाधन से, इंफॉर्मेशन कहते हैं सूचना से, और डी मतलब डिपार्टमेंट यानी विभाग, नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग। अब गुरुजी ये नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग क्या है? तो भाई हरियाणा फैमिली आईडी का कोई विभाग चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई विभाग है। जिस तरह बुढ़ापा पेंशन होता है ना, पेंशन का कोई विभाग नहीं होता, ठीक है, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, बुढ़ापा पेंशन का कोई विभाग नहीं होता। बुढ़ापा पेंशन के विभाग का नाम क्या है? समाज एवं कल्याण विभाग। समाज एवं कल्याण विभाग, बताओ यहां कहां आपका जो है पेंशन का नाम आया? नहीं आया ना। तो सारा काम यू ही करता है बुढ़ापा पेंशन का, समाज एवं कल्याण विभाग। तो इसी तरह जो फैमिली आईडी का विभाग है, उस विभाग का नाम जो है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। तो जो भी फैमिली आईडी पोर्टल पर बदलाव होता है या फैमिली आईडी में कुछ भी होता है, A to Z सारे काम फैमिली आईडी के नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग करता है। चाहे इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दफ्तर हो, ब्लॉक स्तर पर दफ्तर हो, खंड स्तर जिसे आप कहते हो, या राज्य स्तर पर चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर इसका हो, ठीक है। तो साथियों उन्होंने बड़ा बदलाव इसके अंदर किया है, आप सभी के लिए बड़ा खुशखबरी देने का काम किया है। नया ऑप्शन आ गया है, बहुत बड़ी संख्या में जो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इसका इंतजार कर रही थी, अब आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी, आजकल जो किसी फैमिली आईडी की समस्या का समाधान होना किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको फैमिली आईडी का घर बैठे समाधान जो है हो जाए, आपका जो है वो कोई सी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि जी का जंजाल फैमिली आईडी बना हुआ है। फैमिली आईडी जो है सरकार ने अच्छी तरीके से लागू किया, लागू करने में इनसे खामियां हुई, लेकिन इसके जो वो थे BPL, चाहे घर बैठे बनना हो कोई पैसा नहीं लगता। अब तक जो है आपसे पैसा लिया जाता था BPL का, रिश्वत चलता था बड़े पैमाने पर। चाहे आपका आयुष्मान कार्ड बनाना हो, बुढ़ापा पेंशन हो, सारी की सारी योजना घर बैठे आपको बिना फार्म भरे फैमिली आईडी से मिलती है, लेकिन इसमें लागू करने में खामियां हो गई, इसकी वेरिफिकेशन सरकार सही ढंग से नहीं कर पाया। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा BPL राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चली गई, यह आदेश का बाहर कब चलेगा, इस योजना में बदलाव कब हुआ, कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। तो भाई फैमिली आईडी के पोर्टल पर नया धमाका जो हुआ है, मैं इसे फैमिली आईडी को उससे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप फैमिली आईडी के अंदर लॉगिन करोगे भाई, नया फैमिली आईडी के अंदर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए ये कर दिया गया है, या सिटीजन लॉगिन में स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन आप दे दिया गया है। स्प्लिट फैमिली का मतलब होता है फैमिली को अलग करना, एक फैमिली आईडी को 3 या 4 भागों में तोड़ना, एक फैमिली आईडी को 2 फैमिली आईडी बनाना, यानी जैसे बाप बेटे की जो है एक फैमिली आईडी है, अब बेटा अलग फैमिली आईडी बनवाना चाहता है या बाप अलग बनवाना चाहता है, तो भाई अब ऑप्शन आपको दे दिया गया है, अब आप फैमिली आईडी अपनी अलग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 3 बच्चे शादीशुदा हैं, एक ही फैमिली आईडी है, तो 4 तीनों अलग अलग फैमिली आईडी बनवाइए भाई, क्यों एक में रुके हुए हो, ठीक है। तो 3-4 की इकट्ठी जब एक फैमिली आईडी है तो इनकम भी अधिक पहुंच जाता है। तो साथियों फैमिली आईडी स्प्लिट करने का ऑप्शन आ गया है, स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन दे दिया गया है, अब आप जो है फैमिली आईडी अपनी अलग करवा सकते हैं। ये नया धमाका फैमिली आईडी पोर्टल पर हुआ है। साथियों आपको मैं अभी कोई स्टेप बाय स्टेप एक बार दिखा भी देता हूं आप कैसे इसको कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल खोलना है, आप जो है साथियों अपनी फैमिली आईडी जिसको अलग करना है भाई कर लेना, घर बैठे करना चाहो घर बैठे कर लेना, और साथियों वरना बेहतर यह है आप CSC सेंटर ही जाएं, क्योंकि घर बैठे ना आप दिक्कत कर जाओगे, आप क्या है आपसे दिक्कत हो जाएगा, आपसे प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। PPP, जैसे आप PPP आप गूगल पर सर्च करेंगे साथियों, परिवार पहचान पत्र का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा meraparivar.haryana.gov.in, आपके समक्ष फैमिली आईडी का ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, अब वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हो फैमिली आईडी का जो है साथियों पोर्टल आपके समक्ष आ चुका है, ठीक है। यहाँ से इस लॉगिन से आप जो है लॉगिन पर क्लिक करिए, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करिए, और उसके बाद साथियों जो है अपना
फैमिली आईडी नंबर टाइप करिए और इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके समक्ष जो है सिपलेट फैमिली का ऑप्शन उस तरह आ जाएगा जिस तरह मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। ये एक प्रोसेस है, वहाँ सिपलेट फैमिली पर आपको क्लिक करना है। सिपलेट फैमिली पर क्लिक करने के बाद अगेन अपनी फैमिली आईडी टाइप करिए, अगेन जो है आपके पास ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ लॉगिन जब आप शुरुआत में करोगे तब भी आपको फैमिली आईडी नंबर टाइप करना है, लॉगिन होना है, ओटीपी जाएगा। फिर जब आप सिपलेट फैमिली करोगे जैसे आप लॉगिन होंगे इसके अंदर भाई इस तरह आपको सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ करेक्शन मॉड्यूल और सिपलेट फैमिली आपको जो है सिपलेट फैमिली पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ फिर अपनी फैमिली आईडी नंबर टाइप करिए, जिन जिन परिवार के सदस्यों को अलग करना है, अलग फैमिली आईडी बनानी है, उनको सेलेक्ट करिए और अलग फैमिली आईडी क्रिएट करिए। बाकी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अपनी फैमिली आईडी अलग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।